बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। आगामी 2022 की विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस महासचिव और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शिमला में बैठक आयोजित की। 2022 के चुनाव में किस तरह पार्टी को मजबूत और जीत दिलानी है, इसको लेकर मंथन किया गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं, इसको जाना, ताकि क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार और विधानसभा में उठाया जा सके। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, इसलिए 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस को लोकसत्ता में भेजेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण की हमने बैठक रखी है, जहाँ से मैं विधायक हूँ शिमला ग्रामीण से, जो आगामी 2022 के हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनने के लिए और ज़मीन स्तर पे पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए आज की बैठक का विशेष रूप से हमने आयोजन किया है। क्योंकि आपने देखा, पीछे हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए, ज़िला परिषद के चुनाव हुए, नगर निकायों के चुनाव हुए, और सभी इस इलाके के लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति एक बड़ा अच्छा रुझान रहा हमने, और निश्चित तौर से उसका अच्छा रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है। मगर मैं समझता हूं कि जब लड़ाई लड़नी पड़ती है और जब ज़मीन स्तर पर जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हमारी पूरा संगठन, हमारा पूरा जो परिवार है, उसको हमें मजबूत करना है। जो हमारा संगठन का ढांचा है, उसे हमने मजबूत करना है, और आज उसी के लिए इस बैठक को रखा गया है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी बूथ कमेटियां, हमारी पंचायत कमेटियां, उनको हम बनाएं, उनके साथ रेगुलर हमारे इंटरेक्शंस हो समय समय पर। हर महीने में अलग अलग जोन में जाकर अपने जो हमारे पंचायत और बूथ के कमेटी के लोग बनेंगे, उनसे हम बैठक करेंगे। वहाँ के जो ज़मीन स्तर की समस्याएँ हैं, मुद्दे हैं, उनको हम सुनेंगे, समझेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।